हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपनी प्लांट्स की शॉपिंग, संडे शॉपिंग की बात करूंगी। मैंने पहले भी कहा कि मैं, मुझे आदत है, मैं सैटरडे संडे नर्सरी जरूर जाती हूँ। और वैसे ये जून का महीना चल रहा है और जून में भी बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हमारे यहाँ 47 के करीब टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी मुझे आदत पड़ी हुई है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पुराने गार्डनर नहीं है और न्यू गार्डनर्स हैं, तो आप इस टाइम शॉपिंग करने से थोड़ा सा बचें। लेकिन फिर भी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी देखें कि कौन कौन से प्लांट्स मैं लाई हूँ। और फिर मैं साथ में आपसे ये भी बात करती रहूंगी कि हम जो नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं, उनको हम किस तरह से ट्रीट करें, उनको दूसरे पॉट में लगाने से पहले क्या करें ताकि हमारे प्लांट्स हेल्दी रहें। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ, अपने प्लांट्स भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये गुड़हल लाई हूँ मैं। ये दो वैरायटीज हैं गुड़हल की, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं और इसमें मेरा ख्याल डार्क पिंक कलर के, अभी इसके फ्लावर खिले हुए नहीं थे। गुड़हल जो है वो अभी बड़ा मौसम है उसका, इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं हिबिस्कस के प्लांट्स, तो ये इनका मौसम भी है उगने का। सर्दी में इतने नहीं उगते हैं ये गुड़हल हिबिस्कस, और अभी ये चाइना रोज भी कहते हैं इन्हें, ये इनका मौसम है उगने का। तो दो मैं प्लांट्स इसके लाई हूँ, और अब जैसे जैसे बारिश के बाद टाइम आएगा, ये और इनमें फूल वगैरह आएंगे। और देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ कि आप जब प्लांट लेके आए नर्सरी से और आपको वो लगे कि वो थोड़ा सा मुरझाने लगा है, या फिर आपको उस दिन उसको पॉट नहीं करना है। और ये देखिए, ये मेरे इतने सारे पौधों में से ये वाले का जो गमला है वो सबसे छोटा है, तो इसमें क्या है कि पानी कम हो रहा था, सूख रहा था, और मुझे संडे को इसको लाने के बाद रिपोर्ट नहीं करना था अभी, और आज मैं भी शाम को करूंगी क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में शाम को करना चाहिए। और एक चीज और होती है कि जब आप कोई प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको आते ही इमिजिएटली रिपोर्ट ना किया करें। वैसे तो मैं मना करती हूँ कि जून के महीने में रिपोर्ट ना करा करें, इसलिए मौसम रिपोर्टिंग के लिए अच्छा नहीं है प्लांट्स की बिल्कुल भी। और जैसे अब मैं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा आदत हो गई है कर करके, तो फिर मैं कर लेती हूँ रात के टाइम, शाम के टाइम, फिर उसे थोड़ा छाया में रख लूंगी एक आधा दिन, इंडोर्स भी रख दूंगी थोड़ा सा, तो मेहनत करती रहती हूँ। फिर भी मेरे भी कई प्लांट्स, क्योंकि मुझे क्या है, आदत से मजबूर हूँ, लाती जरूर हूँ, बिना प्लांट्स लाए मुझे चैन नहीं आता है, तो फिर मेरे भी कई प्लांट्स गर्मी में इस टाइम अगर जून वून में लाती हूँ तो मर भी जाते हैं, लेकिन फिर मुझे आदत पड़ी हुई है, मेरे से लाए बिना रहा नहीं जाता। तो जब आप लाए प्लांट्स को कोई भी किसी भी मौसम में, ये तो मैं गर्मी में कर रही हूँ, तो आप प्लांट को एक आते ही रिपोर्ट ना करें, चाहे आप बारिश में लाए या कुछ भी लाए, तो एक दिन उसको अपने घर में पड़ा रहने दें, ताकि वो अपने आपके घर के जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें थोड़ा सा यूज्ड हो जाए, उसको अडॉप्ट कर ले। तो इसलिए ऐसे इसको उसी दिन ना लगाएं, लाते ही एक दिन पड़ा रहने दे, क्योंकि हर जगह देखिए नर्सरी में ये अलग कंडीशंस में ग्रुप में पड़े होते हैं, हमारे घर में हम एक दो प्लांट्स लाते हैं, तो एक दिन अपने पौधों को पड़ा रहने दे। और फिर अगर आपको जैसे पड़ा रहने देना है, तो ये मैंने अलग रखे हुए हैं, आप एक बड़ा सा टब लेके, या आपके एक आधा प्लांट्स है, जैसे ये देखिए थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था मुरझाने का डर है, गमला छोटा, तो इसको मैंने ऐसे बाल्टी में देखिए पानी डाल के और इसको ऐसे रख दिया, बिल्कुल इसके पत्ते मुरझाने लग गए थे, और अब देखिए इसके पत्ते बिल्कुल अच्छे हेल्दी हो गए हैं। तो आप ऐसे लाएं, और उस दिन तो नहीं लगाना है आपको उस पौधे को, तो आप किसी बड़े से टब में 3-4 पौधे लाए हैं, तो वो पानी डाल के और उसमें रख दीजिए, ताकि जब तक आप अपने पौधों को रिपोर्ट नहीं करते। और कई बार क्या होता है, नर्सरी में उन लोगों ने पानी नहीं दिया हुआ होता है, उनका एक टाइम फिक्स होता है, हम जिस टाइम पौधा ला रहे हैं, हो सकता है उन्होंने उस टाइम पानी नहीं दिया हुआ हो, तो हमारे पौधे की जड़ों में पानी नहीं होता है और हम उसको एक दिन नहीं रिपोर्ट करते, तो सही नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा सा डर लगे अगर पौधा, तो आते ही आप उसको ऐसे 3-4 पौधे हैं तो एक बड़े से टब में पानी डाल के उसमें रख दें। और जैसे ये वाला है, इसका देखिए, ये जो ग्रो बैग है, जो भी प्लास्टिक का, ये कितना बड़ा है,
और इसमें ऐसे पानी की कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही थी, दे दिया था पानी मैंने, वो छोटा गमला था और उसमें क्या है कि गमले के साइड में से पानी निकल रहा था थ्रू, और ये देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी मिट्टी ने गमले की ये देखिए ये बाउंड्री को छोड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो बाउंड्री को छोड़ा हुआ है तो जो पानी डालो वो गमले की बाउंड्री से निकल रहा था, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया ताकि ये सही रहे। और बड़ा जैसे पॉलिथीन होता है तो इसमें मैंने पानी दे दिया, सारे पौधों को इकट्ठा रख दिया, तो इसके पौधे में कोई असर नहीं होना था, तो इसलिए इसको मैंने रहने दिया। और अगर आप मैं रख देती टब में सारे तो भी अच्छा रहता। एक्चुअली मैं लेने के लिए ये गई थी पोर्चुला का, मुझे थोड़ा सा सफाई का ज्यादा शौक है, तो मैं प्लांट्स को बहुत ज्यादा ऐसे इकट्ठा करके, जैसे सर्दियों में पोर्चुला का मौसम चला गया था, पर्सलिन पोर्चुला का, तो मैंने इनको बचा के नहीं रखा, मुझे लगा कि ऊपर फ्लावर गार्डन बनाना है तो कहाँ इनको रखूंगी, तो मैंने ये सारे प्लांट्स उसमें डाल दिए थे, कंपोस्ट बिन में डाल दिए थे, और फिर मैंने सोचा मैं नेक्स्ट ईयर और ले आऊंगी, तो अभी फिर मैं ये लेके आई हूँ। ये तीन चार कलर्स में है, येलो है, रेड है, पिंक है, मजेंटा है, तो इन दो तीन कलर्स में मैं लेने एक्चुअली ये पोर्चुला का ही गई थी। अब ये जो पोर्चुला का इतने बड़े बड़े हैं, इनकी मैं क्या करूंगी, ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स बना के और ऐसे ऐसे कटिंग्स लगा दूंगी इनकी, बड़े बड़े जो मेरे बड़े वाले पड़े हैं लंबे वाले गमले ट्रे टाइप, उनमें इनको लगा दूंगी और फिर ये बरसात में अच्छे से होके और फूल देना शुरू कर देंगे। तो ये मैं चार पोर्चुला का लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो मैं चार पोर्चुला का लाई हूँ, देखिए इसको भी मैंने अच्छी तरह से पानी दिया हुआ है, अच्छी तरह से पानी दे दीजिए, पानी मत सूखने दीजिए। और बेस्ट उपाय यही है कि एक बड़ा टब लेके और अपने सारे जो ये लाए हुए हैं थोड़ा टब में इतना इतना पानी करके और सारे गमलों को उसमें रख दीजिए, तो आपके गमले सूखते नहीं है। ये मैं लेके आई हूँ एक स्वीट पोटैटो वाइन, इसको ब्लैक भी कह सकते हैं और पर्पल भी कह सकते हैं, कुछ भी। इस ये मेरे पास थी एक्चुअली लास्ट ईयर, तो बहुत थोड़ी सी थी, फिर वही बात है मैंने इसको सेव करने के बजाय जब सर्दियां आई तो इनको हटा दिया था और कुछ गमलों में रहने दी थी, तो ग्रीन वाली तो पड़ी थी, ये मेरी उखाड़ दी थी मैंने, तो मैं अब इसको लाई हूँ। अब इससे मैं फैलाती चली जाऊंगी और इससे भी ट्रे तैयार कर लूंगी एक दो, तो ये मेरे पास थी नहीं है एक्चुअली इस बार अभी, तो एक मैं ये लेके आई हूँ। ये देखिए शेफलेरा, मेरे पास शेफलेरा जो है वो प्लेन वाला शेफलेरा था, मतलब है जिसपे मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी तीन चार दिन पहले, और अभी मैं मुझे ये अच्छा लगा, इसमें दो शेफलेरा एक ही में लगे हुए हैं, एक तो वेरीगेटेड वाला है और एक वो प्लेन वाला, दोनों एक साथ लगे हुए हैं एक ही गमले में, तो मुझे अच्छा लगा कि ये एक ही में लगे हुए हैं, तो अभी मैं इनको जो है रिपोर्ट कर भी सकती हूँ। और यार ये जो बड़े गमले वाले हैं इनको मैं सोच रही हूँ अभी 15-20 दिन तक, 15-1 दिन तक बारिश मेरे हिसाब से हो जाएगी, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि इनके नीचे एक ट्रे रख दूं और इनको अभी बड़े गमले में जो है, ये एक्चुअली मेरे ख्याल 9 इंच के गमलों में है, तो इनको शायद मैं रिपोर्ट ना भी करूं अभी और नीचे इनके प्लास्टिक के ट्रे रख दूं, ताकि क्या होता है कि जो प्लास्टिक के गमले होते हैं इनमें नीचे बहुत सारे होल्स होते हैं, तो इनमें से पानी बहुत जल्दी नीचे से निकल जाता है, तो गर्मी में ये गमले बड़े खतरनाक है पौधों के लिए, क्योंकि फटाफट पानी निकल जाता है इनमें से, तो इनके नीचे प्लास्टिक की प्लेट आप जरूर रखें अगर आपके पास ऐसे प्लास्टिक के गमलों में, और उनको छाया में रखें। प्लास्टिक के गमले जो होते हैं वो गर्म बहुत जल्दी होते हैं और वो पौधे की जड़ को सड़ा दे, बर्न हो जाती है उससे पौधे की जड़े, तो उससे पौधा जल्दी मरता है, इसलिए प्लास्टिक के, और कोई कारण नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक के गमलों को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें से पानी इवेपोरेट भी नहीं होता, तो वो ठंडक भी कम देते हैं पौधों को। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये एक फाइलोडेंड्रोन है, थोड़ा जनाडू टाइप का लग रहा है मुझे, और जनाडू के थोड़े से पत्ते अलग होते हैं, अच्छा है ये, इसको भी धीरे धीरे मैं, ये अपराइट है या इसको भी देखूंगी, शायद नर्सरी वाला तो कह रहा था इसको भी आप उसमें मॉस स्टिक पे चढ़ाइए, तो इसको मैं मॉस स्टिक लगाऊंगी उस पर चढ़ाऊंगी। और ये एक और फाइलोडेंड्रॉन है, ये देखिए, ये भी फाइलोडेंड्रॉन्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो रेन फॉरेस्ट में जमीन पे उगते हैं, तो ये जमीन पे उगते हैं तो इनको मॉइस्ट और ह्यूमिड और थोड़ा सा वार्म जो है वो
एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ों की जो ऊपर कैनोपी बन जाती है ना, छत बन जाती है जंगल में, उसके नीचे ये उगते हैं और पेड़ों पे चढ़ते हैं ये, तो इनको फाइलोडेंड्रॉन्स कहते हैं। तो ये देखिए, ये भी फाइलोडेंड्रॉन है, इसे भी मैं, इसके भी और भी बड़े बड़े हो जाएंगे पत्ते, जैसे ये देखिए मेरे मनी प्लांट के बड़े हुए हैं, तो इसी के साथ में ही मैं मनी प्लांट के साथ में इस फाइलोडेंड्रॉन को भी लगा दूंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मैं लेके आई हूँ। तो ये एक और लेके आई हूँ, ये देखिए, ये गर्मियों का सबसे मेरा भी और दिया का भी फेवरेट प्लांट है, और गर्मियों का सबसे अच्छा प्लांट है ये। और ये मुझे लगता है कि ग्राफ्टेड नहीं है शायद, मुझे पता नहीं, पर मुझे ये प्लांट की शेप अच्छी लगी और मैं ले आई हूँ इसको भी। देखिए कितना प्यारा प्लांट है ये भी। तो मैं बस यही वाले प्लांट्स लेके आई हूँ अभी। और कुछ दिन पहले वो देखिए वो लेके आई थी मैं, ये इसका नाम बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर रहा है, क्रीपर जेनी है ये। और ये लेके आई थी, अभी मैं गई हूँ बाहर, पंजाब गई थी, उससे पहले ये लेके आई थी। अभी इसको मैंने यूं ही रखा हुआ है, थोड़ा और पीछे से इनको थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह कम मिला। तो ये फ्रेंड्स मेरी जो है वो कल की शॉपिंग रही। तो फिर जब ये जब आप, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि जब आप जून में अगर प्लांट्स लाते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन है और नए गार्डनर भी हैं, तो ऐसा थोड़ा बड़े गमले में, जैसे देखिए ये 9 इंच वाले में, 9 वाले में या 12 इंच वाले गमले का ले आइए, और उसके नीचे एक प्लास्टिक की जो प्लेट आती है वो रख के, और छाया वाली जगह में पौधे को रख दीजिए, और उसको 2-3 बार छिड़काव करते रहे, और अभी रिपोर्ट ना करें, और जैसे ही बारिश 1-2 हो जाएंगी तो उसके बाद उसको आप रिपोर्ट करिए। और ये जो थैली वाले हैं इनको तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी, लेकिन इसकी क्या करूंगी, थैली को काटूंगी और रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, गमले में रखूंगी और उसके आसपास एक्स्ट्रा मिट्टी जो आती होगी वो डाल दूंगी। तो अभी मैं इसको ज्यादा कुछ छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि जून का महीना है, और आपको भी ऐसे लगाना हो तो रूट बॉल को बिल्कुल ना छेड़े और बिल्कुल ठंडे में रखें पौधे को। और जैसे मैंने कहा, प्लांट्स को लाते ही एक आधा दिन उसको अभी रखें टब में पानी डाल के, और उसके बाद रिपोर्ट करें, ताकि वो आपके घर का जो एनवायरमेंट है उसमें वो थोड़े से अपने आप को एडजस्ट कर लें, और उसके बाद आप उनको रिपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की शॉपिंग रही। और मुझे सब लोग बार बार कहते हैं कि रेट्स बताया करिए, तो एक्चुअली मैं जिस नर्सरी में जाती हूँ वो उनका रेट एक ही होता है, बस रेट लिस्ट है, और वहां से वो देते हैं, वो किसी को कम ज्यादा नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर उनसे पूछना जो है वो वेस्ट होता है, वो बिल बना के देते हैं। तो मैं फिर उनसे, ये नहीं है कि कई लोग कहते हैं आपके पास ज्यादा पैसे आ गए आप इसलिए नहीं पूछते हो, ऐसा नहीं है, उनके यहाँ कोई भी नहीं पूछता है और वो बिल बना के देते हैं। तो मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा जाती हूँ वहां, तो ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो गलत रेट नहीं लगाएंगे, तो इसलिए मैं अब आगे से ध्यान रखूंगी कि रेट का स्पेशली आपके लिए ध्यान रखूं, इस बार तो अभी मैंने नहीं ध्यान रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और मेरे ये छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा इंग्लिश चैनल है फन गार्डनिंग इंग्लिश, उसे भी देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।